नमस्कार जी। बहुत जी, आप अपने पुराने साथी भी रहे हो, डीलर भी हो, और आज आपने लक्ष्मी सिंह का विनर मूंग देखा है, इसके बारे में आपसे भी जानकारी लेना चाहेंगे कि क्योंकि आपका अपना काउंटर भी है, तो ये वैरायटी कैसे लगी थोड़ा सा आपने? एकदम बहुत बढ़िया वैरायटी है, और मैं चाहूँगा कि इसके अड़ोसी पड़ोसी भी अगले साल यही वैरायटी लगाएं। थोड़ा सा इसको बिजाई के अंदर थोड़ा छिद्दा करें, और इसके आम के आम और गुठलियों के दाम, पैदावार की पैदावार, और साथ ही ज़मीन की उपजाऊ शक्ति बढ़ाने के लिए एक नंबर है मूंग की फसल। तो मैं सभी किसान साथियों से यही कहूँगा, और कंपनी के ये जो हैं कर्मचारी इनसे भी कहूँगा कि समय समय के ऊपर आकर और हमारे फार्मर को कुछ अच्छी गाइड लाइन दें, ताकि कुछ किसान ही तो अगर देखा पे सकता है, उसको अगर अच्छी गाइड लाइन नहीं रहेगी तो प्रोडक्शन कहाँ से आएगी। आप थोड़ा निस्वार्थ भाव से अपनी कंपनी के फायदे के लिए भी, जमींदार के फायदे के लिए भी समय समय पर इनको गाइडलाइन देते रहें, धन्यवाद। तो वैसे मूंग में आपको क्या लग रहा है कि जैसे मेला में लगवा रहे साहब गुजर में हो, वो कहीं नजर आ रहे हैं पीड़ा मोर्चे बोलते हो? ऐसा है, पीड़ा मोर्चे पूरे फील्ड के अंदर मेरे को एक को दे के अंदर भी दिखाई नहीं दे रहा है। ये पीड़ा मोर्चे के प्रति बहुत ही ज़्यादा सहनशील है, वरना हमने आज से 15-20 साल पहले कुछ फील्ड में लगवाया था, उस टाइम पीड़ा मोर्चे बीमारी एक ऐसी आई थी कि जो पूरे खेत को ख़त्म कर देती थी, इससे जमींदार पीछे हट गए। तो मेरी उम्मीद ये है कि इस वैरायटी को देख के फार्मर दोबारा से इसके ऊपर चलेगा, और एक प्रकार का बोनस जो है वो फसल के अंदर प्राप्त करेगा। तो ठीक है साहब, सतपाल जी आपने अपना अनुभव शेयर किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने भी निवेदन चाहेंगे कि भैया आप अगले आने वाले समय में इसका ना और ज़्यादा जमींदारों को लगवा कर एक अच्छे, आपने बताया आम के आम का खुलने का काम बिल्कुल सही है कि खाली टाइम में भी हम इसको ना लगा सकते हैं और पैदावार ले सकते हैं। तो आप सभी जमींदारों ने इसके लिए समय दिया, सभी का बहुत बहुत लक्ष्मी सिंह की तरफ से बहुत बहुत आभार। ये थोड़ा आप ऐसा जरूर करो, कंपनी से हमारी रिक्वेस्ट है कि जब ये बिजाई का सीजन आए उस टाइम कर्मचारी कंपनी का कर्मचारी आके हमसे संपर्क कर ले, ताकि हम फार्मर को मोटिवेट करके कुछ ज़्यादा फील्ड लगवा सकें। बहुत अच्छी बात है आपने सतपाल जी, बहुत बहुत आपका ना शुक्रिया इसके लिए, और आगे कोशिश करेंगे कि आपको समय समय पर इनकी जानकारी देते रहें। बाकी सब जितने भी किसान साथी हैं, मैं उनको बताना चाहूँगा कि अभी इसी कंपनी का एक कान 888 बाजरा आता है जो बहुत अच्छी पैदावार देने में वो सक्षम है। तो जो भी किसान बाजरा जिन्होंने नहीं लगाया है तो कोशिश करें 888 बाजरा लगाकर अपने खेत में जबरदस्त पैदावार देने का काम करें। इसका 888 का टाइम पीरियड और बताओ ना, ताकि